दोस्तों स्वस्थ खान पान न केवल बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि यौन जीवन को भी बेहतर बनाता है। ऐसा माना जाता है कि खाने पीने की कुछ चीजें सीधे रूप से स्पर्म कामेच्छा फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन दर को प्रभावित करती है। खराब खान पान से आपको कई यौन समस्याओं का खतरा हो सकता है जिसमें शुक्राणुओं का कम होना यौन इच्छा में कमी नपुंसकता और शीघ्र पतन शामिल हैं। आजकल जवान लड़के कई ऐसी चीजों का खूब सेवन कर रहे हैं जो धीरे धीरे उनके यौन जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। आपको बता दें कि इस तरह की चीजें उन्हें आगे चलकर पिता बनने में परेशानी पैदा कर सकती है। हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। सबसे पहला चीज है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। ऐसा कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से स्पर्म की मात्रा कम होती है। इन सभी पेय पदार्थों में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है जो स्पर्म बनने की कार्यप्रणाली में रुकावट डाल सकती है। दूसरी चीज है चाय या फिर कॉफी। अक्सर पुरुष ऑफिस में काम करने के दौरान 6 से 7 कप चाय या फिर कॉफी पी जाते हैं। कैफीन का अधिक सेवन पुरुषों के प्रजनन शक्ति पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है। ऐसे में कोशिश करें कि 1 या फिर 2 कप ही चाय या फिर कॉफी पिएं। तीसरी चीज है सिगरेट। पुरुषों के लिए सिगरेट का सेवन हानिकारक होती है। इसके सेवन से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है जिससे पुरुषों को पिता बनने में परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ पुरुष खुद को अस्वस्थ और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। इससे पुरुषों की प्रजनन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। जंक फूड। पुरुषों के लिए अधिक जंक फूड का सेवन भी हानिकारक होता है। इसके सेवन से पुरुषों की प्रजनन शक्ति कमजोर हो सकती है और उन्हें पिता बनने में परेशानी हो सकती है। साथ ही जंक फूड के अधिक सेवन से उनके शरीर में कई तरह की परेशानियां जन्म ले सकती हैं। कीटनाशक फल और सब्जियां। आजकल ज्यादातर फल सब्जियों फसलों में कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा है। ये शरीर में जाकर नपुंसकता और कैंसर आदि जानलेवा बीमारियों का वजह बनते हैं। बाजार से लाए गए सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोकर ही खाएं। सप्लीमेंट। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग इतना ज्यादा जंक फूड खाने लग गए हैं कि उन्हें सही प्रकार का पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे शरीर में उस पोषण की कमी को पूरा करने के लिए वे दवाई की दुकान से सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं। इसका सीधा असर नपुंसकता पर पड़ता है। प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट कई बीमारियों की जड़ है। प्रोसेस्ड मीट में हॉट डॉग सलामी बीफ बेकन इत्यादि शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रोसेस्ड रेड मीट स्पर्म काउंट कम करने स्पर्म मेटिलिटी पर असर डाल सकता है। हालांकि चिकन खाने और शुक्राणुओं के स्वास्थ्य में कमी के बीच संबंध नहीं पाया गया है। सोया उत्पाद। सोया उत्पादों में फाइटोएस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जैसे यौगिक होते हैं जो पौधे से आते हैं। रिसर्च में एक बात सामने आई है कि ज्यादा सोया उत्पाद का सेवन करने से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, शुक्राणु की एकाग्रता में कमी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि ट्रांस फैट सिर्फ पम्प काउंट को ही कम नहीं करते हैं बल्कि हृदय रोग के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट खाने से पम्प काउंट कम हो सकता है। इन खाद्य पदार्थों में क्रैकर कुकीज केक पाई पॉपकॉर्न पिज्जा फास्ट फूड मर्जरीन कॉफी क्रीमर बिस्किट्स आदि शामिल हैं। अधिक फैट वाले डेयरी उत्पाद। ऐसा कहा जाता है कि अधिक फैट वाले डेयरी उत्पाद यानी फुल क्रीम मिल्क क्रीम और पनीर जैसी चीजों का ज्यादा सेवन करने से स्पर्म काउंट पर असर पड़ सकता है। इसका वजह यह है कि गायों को सेक्स स्टेराइड दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्वस्थ जिंदगी जीना तो इन 10 चीजों से दूरी बना लें। वीडियो को इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।